अच्छा एक एक डाउट आ रहा है, बड़े ध्यान सुनना बेटा। डेफिनेशन क्लॉज जब आप पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर अब जब मेरे हैंडआउट से उसमें आप रीड करोगे, तो उसमें कुछ गिवन है, कुछ डेफिनेशन एम्बिगुअस होती हैं। कुछ डेफिनेशंस क्या होती हैं? अच्छा मैंने आपको कंपनी का डेफिनेशन पढ़ाया था जो डिफाइन है तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, आपको याद है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, याद आया? अच्छा बहुत एम्बिगुअस डेफिनेशन है, बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है ये, थोड़ी एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग। उसने खुद ही नहीं बताया कि इसका मीनिंग क्या है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ फिर केस लॉज आए, जुडिशियल केस लॉज आए, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वर्ड कंपनी का क्या मीनिंग है। तो समटाइम्स अ डेफिनेशन इन द एक्ट इज अ वेरी एम्बिगुअस डेफिनेशन, इट इज नॉट क्लियर, कंफ्यूजिंग होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए क्या होता है बेटा कि जुडिशियल आता है, कोर्ट आते हैं और अल्टीमेटली उसका क्या क्या करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस डेफिनेशंस। अच्छा उसके नीचे वाला, हाँ ओके सॉरी, कौन सा ये डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रारी कंटेक्स्ट। अच्छा एक और वर्ड आ रहा है बेटा इसके अंदर डेफिनेशंस के अंदर। आपको एम्बिगुअस डेफिनेशन क्लियर हुआ बेटा? व्हाट इज एम्बिगुअस डेफिनेशन? व्हिच इज क्लियर है, व्हिच इज नॉट क्लियर, व्हिच इज नॉट क्लियर, दैट डेफिनेशन इज नोन एज डेफिनेशन बेटा, एम्बिगुअस डेफिनेशन है ना। और एम्बिगुअस डेफिनेशन होती है इसलिए क्या आते हैं बेटा? केस लॉज आते हैं। क्या आते हैं बेटा? केस लॉज। अच्छा, डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी कंटेक्स्ट। कॉन्ट्रेरी कंटेक्स्ट, व्हाट इज इट? कॉन्ट्रेरी, ऑपोजिट। अच्छा वो कहता है व्हेन अ वर्ड इज डिफाइंड टू बियर अ नंबर ऑफ इंक्लूसिव मीनिंग। कौन सी मीनिंग की बात कर रहे बेटा ये? अच्छा व्हाट इज इंक्लूसिव मीनिंग, जो आप लोग समझते हैं नॉर्मल तरीके से, द सेंस इन विच द वर्ड इज यूज इन अ पर्टिकुलर प्रोविजन मस्ट बी असर्टेन। मतलब आपको तो ये देखना पड़ेगा ना कि उस वर्ड में अगर एक डेफिनेशन इंक्लूसिव है तो उस इंक्लूसिव में क्या वर्ड आने चाहिए, ये भी तो हमें समझना पड़ेगा ना। जैसे हमने बात करी थी रिलेटिव इंक्लूड्स, अब जो आप रिलेटिव समझते हो तो रिलेटिव है, लेकिन हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि रिलेटिव है कौन। तो वो कहता है कंगे कंगे, हाँ, द सेंस इन विच द वर्ड इज यूज इन अ पर्टिकुलर प्रोविजन मस्ट बी असर्टेन फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ द स्कीम ऑफ द एक्ट। तो कहते हैं रिलेटिव इंक्लूड दिस। अब रिलेटिव का मतलब क्या है? वो एक इंटेंशन ऑफ द लॉ से पता लगेगा कि वो रिलेटिव का मीनिंग बोलना क्या चाहता है, क्योंकि रिलेटिव इंक्लूड्स है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। वो तो क्लैरिफाई कर ही नहीं रहा कौन कौन और आ सकता है, उसने ये बता दिया इंक्लूड दिस, लेकिन और कौन आ सकता है उसने नहीं बताया। अच्छा उसने नहीं बताया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या बेटा? इंटेंशन ऑफ द लॉ, राइट, द लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन। क्या लैंग्वेज था प्रोविजन का, वो पढ़ के मुझे समझ में आएगा कि क्या उसका क्या क्या रिलेटिव में आएगा। एंड ऑब्जेक्ट इंटेंडेड टू बी सर्व देयर बाय। और मैं उस रिलेटिव का डेफिनेशन ऐसा दूंगा कि जो ऑब्जेक्ट है लॉ बनाने का, वो ऑब्जेक्ट है जो लॉ बनाने का जो पर्पस है वो क्या हो जाए? पूरा हो जाए। तो इसलिए जो डेफिनेशंस होती है, जो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। वो ऐसी डेफिनेशंस को ध्यान में रखना होता है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोविजन वो किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है वो समझना पड़ेगा, उसका लैंग्वेज का बोलने का मतलब क्या ये समझना पड़ेगा, और उसका क्या समझना पड़ेगा बेटा? ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज समझ के आपको पता लगेगा कि उसका डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। डन। तो दो डेफिनेशन अगर एक बार कॉपी में लिख ले बेटा इसको भी, है ना, अगर मेरे पता नहीं कैसे आया लिफ्ट इट, बट एक बार लिख लेते हैं कॉपी में इसको भी। आप एक काम करें, जहां डेफिनेशन का लिखा था ना, डेफिनेशन जहां लिखा था हम लोगों ने, वहां पे मेरे ख्याल से हमने तीन लिखा था, है ना, क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव। तो उसमें दो पार्ट और हैं। आप अगर वहां पे ही जगह मार्जिन में तो आप मार्जिन में लिख लो, नहीं तो आप लास्ट में लिख लो इसको। सॉरी, एम्बिगुअस डेफिनेशन। एम्बिगुअस डेफिनेशन, अरे वुड यू एम्बिगुअस डेफिनेशन बेटा, नाम ही सर्च कर, वुड यू एम्बिगुअस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग है ना, तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज एम्बिगुअस डेफिनेशन। इसके अंदर लिखना, समटाइम्स अ डेफिनेशन, समटाइम्स अ डेफिनेशन इज अ कंफ्यूजिंग डेफिनेशन, समटाइम्स अ डेफिनेशन इज अ कंफ्यूजिंग डेफिनेशन, दैट इज इट मे नॉट हैव अ ऑर्डिनरी मीनिंग। बट इट मे नॉट हैव अ ऑर्डिनरी मीनिंग, इट मे नॉट हैव अ ऑर्डिनरी मीनिंग। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? हो सकता है उसका ऑर्डिनरी मीनिंग उस एक्ट के अंदर ना हो, फुल स्टॉप। दस
such type of definition, thus such type of definition, thus such type of definition should not be read in isolation. Thus such type of definition should not be read in isolation. What is should not be read in isolation? इसको isolation मतलब अकेला. Isolation मतलब क्या हुआ? तो आप इसको अकेले पढ़ सकते हो, अकेले नहीं पढ़ सकते. अच्छा क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि ambiguous है, इसका वो क्या ही नहीं है, ordinary meaning ही नहीं है, full stop. Thereby it must be read with the intention of the law. It must be read with the intention of the law. It should be read with the intention of the law. Law ke intention ke hisab se usko kya karna chahiye? Read karna chahiye. Ye clear ho gaya beta? Aur ek aur likh lete hain definition, kaun sa? Definition subject to contrary context. ये वाला पोर्शन है बेटा जो मैंने हाईलाइट किया. डेफिनेशन सब्जेक्ट टू आ कॉन्ट्ररी कंटेक्स्ट. डेफिनेशन सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट. डेफिनेशन सब्जेक्ट टू अ व्हाट बेटा? कॉन्ट्ररी कंटेक्स्ट. इसके अंदर लिखना बेटा, इंक्लूसिव डेफिनेशन मस्ट बी रेड इन अकॉर्डेंस विद दी context of the act. In accordance with the context of the act. What is context of the act? Act ke context ke related aap padhoge na usko, comma, so that the intention of law is fulfilled. फुल स्टॉप. ये क्लियर हो गया? नहीं हो गया? ओके. कुछ और डाउट इसके अलावा बेटा? कुछ और डाउट आप पूछेंगे? कुछ डाउट आप पूछोगे बेटा? डाउट. अच्छा हमने क्या क्या लिख लिया बेटा? हमने रूल्स लिख लिया क्या? अच्छा मैं एक बार फटाफट एक समरी से रिवीजन दे देता हूँ आपको. रूल्स कितने तरह के होते हैं बेटा हमारे पास? दो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. प्राइमरी में कितने रूल्स है बेटा? 6. अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट हो गया लॉ ऑफ रूल ऑफ एजेस्डम जेनरिस, जिसमें क्या डिफाइन है वर्ड बेटा, एक्सेट्रा. रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, अगर एक ही प्रोविजन कितने एक्ट्स में है, एक से ज्यादा में, तो यू हैव टू फॉलो बोथ द लॉज या वन लॉ, बोथ द लॉज. सॉरी. नेक्स्ट पॉइंट क्या था? रूल ऑफ एक्सेप्शन सर्कमस्टांस, जहां पर क्या बेटा, मे को मे नहीं पढ़ना, मे को शैल पढ़ना है, शैल को मे पढ़ना है, एंड को और पढ़ना है, और को एंड पढ़ना है, और अगर किसी बेनिफिट के लिए लॉ बना है और अगर वो लिटरल पढ़ के बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वाइडर टर्म में पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद लिटरल कंस्ट्रक्शन, जहां पे एब्सर्डिटी नहीं है, जहां पे एम्बिग्युटी नहीं है, जहां पे इंटेंशन ऑफ लॉ डिफीट नहीं हो रहा, वहां पर क्या करना चाहिए आपको?
उसको लिटरल कंस्ट्रक्शन से पढ़ देना चाहिए. ओके, उसके बाद रीजनेबल कंस्ट्रक्शन मतलब यू हैव टू रीड इन सेंसिबल मैनर और इनसेंसिबल मैनर. सेंसिबल मैनर. अच्छा, उसके बाद ये हो गए कौन से रूल्स हो गए बेटा, प्राइमरी, फिर हमने कौन से पढ़े, सेकेंडरी, एक पढ़ा हमने इफेक्ट ऑफ यूसेज, उस लॉ उस टाइम के लॉ के हिसाब से पढ़ना है, आज के हिसाब से पढ़ना है, उस टाइम के लॉ के हिसाब से. और सेकंड क्या पढ़ा हमने बेटा, नॉसिटर असूसेज. तू क्या बोलना चाह रहा है, मुंह से क्या बोलना चाहता है? अच्छा, नॉसिटर असूसेज याद है बेटा आप लोगों को, एक वर्ड को कभी उसका अकेला मीनिंग से नहीं पढ़ना, पूरा सेंटेंस पढ़ के मीनिंग देने का. उसके अलावा उसके बाद हमने पढ़ा देर एड्स टू इंटरप्रिटेशन, दो एड्स है बेटा, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. इंटरनल बोले तो जो लॉ के अंदर ही है चीजें जो आपको एक्सप्लेन करती है लॉ को, पढ़ना है ना, जैसे कि क्या क्या था, एक तो सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू था ना. अच्छा, सब्जेक्ट टू का एक दूसरा नाम भी है बेटा, अगर आपने नहीं लिखा एक बार वापस आना. सब्जेक्ट टू लिखा था ना हमने बेटा, जहां पर सब्जेक्ट टू का दूसरा नाम, अच्छा दूसरा नाम नहीं करते हम, एक और तीन बार दो बातें लिखी थी मैं वहां पर, क्या क्या, सब्जेक्ट टू, नॉटविथस्टैंडिंग, और एक और वर्ड होता है विदाउट प्रेजुडाइस. सब्जेक्ट टू को ही हम लोग क्या बोलते थे कभी कभी, विदाउट प्रेजुडाइस. व्हाट इज विदाउट प्रेजुडाइस? प्रेजुडाइस का मीनिंग पता आप लोगों को बेटा, व्हाट इज, व्हाट डू यू मीन प्रेजुडाइस? नुकसान पहुंचाना, हार्म. प्रेजुडाइस मतलब क्या होता है, हार्म. व्हाट इज हार्म? नुकसान पहुंचाना. अच्छा, व्हाट इज विदाउट प्रेजुडाइस? उसको नुकसान पहुंचा के ये वाला पढ़ना है या उसको मिला के पढ़ना है? उसको मिला के पढ़ना है. ये समझ में आया? तो कभी कभी क्या वर्ड्स होते हैं बेटा, विदाउट प्रेजुडाइस. व्हाट इज प्रेजुडाइस बेटा? हाँ, आपको याद रहेगा बेटा, हाँ, आज के दिन के लिए या हमेशा के लिए? आज के लिए, दिन के लिए. हाँ बेटा, आपसे कल कोई पूछेगा प्रेजुडाइस मतलब क्या होता है, आपको लिखा ये भी वर्ड था. व्हाट इज प्रेजुडाइस बेटा? हाँ, अच्छा आप लोग ये वर्ड्स को याद रख पाते हो ना, एम्बिग्यूटी, एब्सर्डिटी, और एक और वर्ड हमने पढ़ा, रिपंजेंसी. रिपंजेंसी क्या था, व्हाट इज रिपंजेंसी? रिपंजेंसी एब्सर्डिटी, बेकार. पढ़ा था बेटा हमने रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन पढ़ा था. क्या वर्ड है बेटा बोलो ना, रिपंजेंसी. नहीं बेटा, अच्छे से बोलते हैं हम लोग, रिपंजेंसी. जैसे अगर आपका कोई दोस्त बेकार बात कर ले तो आप बोले रिपंजेंट बात मत करा कर यार मेरे से. कैसे बात मत करा कर मेरे से? व्हाट इज रिपंजेंट? बेकार का बात मेरे से मत कर. जैसे आपके दोस्त ने कुछ बात बोली और वो बिल्कुल सेंसलेस बात है, बोले क्या एब्सर्ड बातें कर रहा है. उसने कुछ बोला, बात करी और आपको कंफ्यूजन सा हो गया, बोलो क्या एम्बिग्यूटी वाली बातें कर रहा है. आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा, कल को आपको आपके दोस्त ने आपका पेन छीन लिया, व्हाई आर यू प्रेजुडाइजिंग मी? तो क्यों मुझे नुकसान पहुंचा रहा है? तू पेन छीन लेगा बेटा, तू कैसे लिखेगा बेटा? नहीं समझ में आया? तो व्हाट इज प्रेजुडाइज बेटा? हाँ, नुकसान पहुंचाना. व्हाट इज प्रेजुडाइज? जैसे आपके घर में आपको जब चप्पल पड़ेगा बेटा, जब कुछ भी आपको आपकी मम्मी आपके पापा मारेंगे तो आप क्या बोलोगे, हमें क्या मत करो, प्रेजुडाइज मत करो. बेटा प्रेजुडाइज मत करो, हमें हम मत करो, हमें नुकसान मत पहुंचाओ. और मारेगा हमें, प्रेजुडाइज मत करो. क्या बोल दिया इसने? कहां सीख रहे सब चीजें? आपको याद रहता है बेटा? मैं दोबारा बोलूं कुछ बातें, क्या क्या, प्रेजुडाइज, एब्सर्डिटी, एम्बिग्यूटी, एब्सर्डिटी, और अच्छा बोल दिया, रिपंजेंसी. क्या बेटा? रिपंजेंसी. और भी कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े हमने, लैटिन वर्ड कुछ पढ़े हमने, नॉसिटर असूसेज, एब्सोल्यूटा सेंटेंटिया, एक्सपोजिट नॉन इंडिजेंट, और बोलो ना, अट्रेस मैगिस, वैलियाट क्वाम पैरियाट, कंटेम्पोरोनिया एक्सपोजिटोरे, फॉटिमा एट ये रिकॉर्डिंग हटा देना है ना. आपको याद आया ना बेटा सारा? हाँ, ओके, गुड. तो आज हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ेंगे बेटा, नया हेडिंग देंगे बेटा हम लोग. वी आर ऑन द सेम चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, हम पढ़ रहे बेटा, हम एक नया एक हेडिंग देंगे. वी विल रीड द डेफिनेशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट. किसका मीनिंग पढ़े बेटा हम वर्ड डॉक्यूमेंट? इज इंपॉर्टेंट बेटा, पेपर में बहुत बार आ रखा है. व्हाट डू मीन बाय डॉक्यूमेंट? दो नंबर का डेफिनेशन आता है. किसका डेफिनेशन पढ़े बेटा हम लोग? डॉक्यूमेंट का. अच्छा, डॉक्यूमेंट is defined by section 3 of Indian Evidence Act. किसने define करा बेटा इसको? आप समझ सकते हो Indian Evidence Act? Indian Evidence Act इसलिए बना वो बताने के लिए कि किसको evidence माना जाएगा, किसको evidence नहीं माना जाएगा. अच्छा, जैसे Facebook का chatting क्या evidence माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? माना जाएगा. अब approve कर दिया Indian Evidence Act ने, approve कर दिया Facebook का chatting, आपका WhatsApp का chatting क्या माना जाएगा? Evidence माना जाएगा. Evidence समझ, what is evidence?
सबूत माना जाए। जैसे मैं डिस्प्यूट में जाऊंगा, कोई मेरे से लड़ना मत, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, न्यूज में पढ़ा था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे जब दिल्ली में कुछ वो थे, क्या कहते हैं, अभी सीए को लेकर पंगा हुआ था, तो वहां पे जेएनयू में लोगों को, कुछ लोगों ने जाके उनको अंदर जाके मारा। तो जब मारा तो उसमें फिर एक व्हाट्सएप का चैटिंग लीक हुआ था, जिसमें उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें लिखा था कि हम कैसे कैसे इसको अंजाम देंगे इस काम को। तो क्या वो व्हाट्सएप का चैटिंग आज की डेट में कैन बी यूज्ड बाय द पुलिस एज द एविडेंस? यस, अब आ गया, पहले नहीं था, अब आ गया। तो इंडियन एविडेंस एक्ट ये बताता है कि क्या एविडेंस को माना जाएगा, क्या एविडेंस को माना नहीं जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया? ओके, तो डॉक्यूमेंट वर्ड इज नॉट डिफाइंड बाय मी, इज डिफाइंड बाय हूम बेटा? इंडियन एविडेंस एक्ट ने क्या डिफाइन किया बेटा, वर्ड किसको बेटा? डॉक्यूमेंट को। आप में ऐसा पढ़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिर हम लिखेंगे इसको, है ना? ओके, डॉक्यूमेंट मींस, अच्छा मींस वर्ड आ रहा है, तो इट्स एन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंक्लूसिव। क्या एक्सक्लूसिव मतलब जो लिखा है वही मानना है और कुछ? अच्छा, आपके पास क्या कॉपी है? आपके पास एक बार कॉपी दिखाना मुझे, कॉपी है आपके पास? क्या ये डॉक्यूमेंट है, ये जो कॉपी नहीं, सॉरी, आपके हाथ में कॉपी है बेटा? अच्छा, जो कॉपी आपने मुझे उठा के अभी दिखाया, क्या ये डॉक्यूमेंट है? इज इट अ डॉक्यूमेंट? हाँ। अब देखो, इसी को मैं डिफाइन करता हूं। तो डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर, डॉक्यूमेंट्स मीन एनी। अच्छा, आपको आपको अच्छा, क्या आप इसके अंदर कुछ मैटर लिख रहे हो, या आपके जो हैंड आउट है उसमें कुछ मैटर है? हाँ, डॉक्यूमेंट क्यों बनता है? क्योंकि कुछ क्या होता है बेटा? मैटर होता है। व्हाट इज मैटर? होता है कुछ, कुछ बात है, तभी तो क्या बना है बेटा? डॉक्यूमेंट। कुछ बात ही ना होती तो क्या ना बनता? तो सबसे पहली चीज, देयर इज व्हाट बेटा? मैटर। तो मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड है या डिस्क्राइब्ड है? एक्सप्रेस्ड है या फिर क्या है? डिस्क्राइब्ड है। अपॉन एनी सब्सटेंस, व्हाट डू यू, अपॉन एनी सब्सटेंस, या तो आप कॉपी में लिखोगे, या तो आप उसको अपने फोन में लिखोगे। अच्छा, बहुत सारे तरीके हैं उसको डॉक्यूमेंट करने का, या एक ही तरीका है? बहुत सारे तरीके। अच्छा, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। व्हाट डू यू डॉक्यूमेंट मींस? डॉक्यूमेंट मींस व्हाट बेटा? एनी मैटर एनी मैटर एक्सप्रेस्ड, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी, व्हाट इज सब्सटेंस? पदार्थ। सब्सटेंस मतलब जिस पे वो लिखेंगे। अच्छा, लिखने के बहुत सारे अच्छा, क्या आप दीवार पे भी लिख सकते हो क्या? हाँ, इट्स ऑल्सो सब्सटेंस, है ना? ओके, तो डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ, क्या क्या तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हमें उसको एक्सप्रेस करने के। या तो आप उसको कैसे लिख सकते हो बेटा? लेटर्स की फॉर्म में, या तो आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? फिगर्स की फॉर्म में। अच्छा, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो, अच्छा क्या बैलेंस शीट भी एक डॉक्यूमेंट है? हाँ, उसमें फिगर्स होता है। अच्छा, और मार्क्स मतलब मार्क्स, अच्छा क्या आपका रिपोर्ट कार्ड आता है बेटा? हाँ, क्या वो डॉक्यूमेंट है? हाँ, जिसके बेस पर आपको मार पड़ती है। लेटर, फिगर्स और मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, व्हाट इज मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स? मिक्सचर भी हो सकता है। मिक्सचर मतलब बोले तो लेटर्स भी है, फिगर्स भी है, और साथ में क्या है? मार्क्स भी है। जैसे पहले आपके मार्क्स है, फिर नीचे वो टीचर अपना वो लिखता है, रिमार्क्स लिखता है, है ना? योर सन हैज परफॉर्म्ड डैश, है ना? मुझे नहीं पता क्या, जाके चप्पल मारो। ओके, तो लेटर, फिगर और मार्क्स और बाय वन ऑफ दोज मींस इंटेंडेड। आज कब क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम इसे दोबारा पढ़ सके। आप एक चीज को डॉक्यूमेंट क्यों करते हो बेटा? ताकि आप उसको दोबारा क्या कर सको? पढ़ सको, ऐसा होता ना? अच्छा, हम कॉपी में क्यों लिखते हैं? ताकि रिवाइज हो सके। अच्छा, अगर मैं कॉपी में ना लिख रहा होता, अगर मैं आपको ऐसे समझा रहा होता बस, तो आपको रिटेन रहता, रिटेन नहीं रहता? मतलब ऐसे तो मत बोलो बेटा, शायद रह जाता। आप बोलो शायद रह जाता, शायद ना, मतलब अभी से बेइज्जती कर रहा है बेटा तू मेरी। हाँ, आपने जो पढ़ाया कहाँ याद रहेगा? हाँ, मतलब ओरली पढ़ाया हुआ, इतना ज्यादा रिटेन नहीं रहता, इसलिए हम लोग क्या करते बेटा, उसको लिख लेते हैं। ओके, तो कहां पर था? इंटेंडेड टू बी यूज्ड, इसका इंटेंशन क्या है? ताकि आप इसे क्या कर सको? यूज कर रखो। और विच मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, आप उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए कर रहे हो, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते बेटा? डॉक्यूमेंट। सोचो, एक छोटा सा बात थी, डॉक्यूमेंट क्या है? कॉपी। डॉक्यूमेंट क्या है? कि एक बात को आप एक जगह लिख दो, वो क्या है? डॉक्यूमेंट है। इसको इनको नहीं माना गया, इन्होंने उसको डिफाइन किया। दोबारा पढ़ते हैं, व्हाट इज डॉक्यूमेंट मींस? कोई भी मैटर, आप देखो याद करो, कोई भी मैटर, या तो एक्सप्रेस्ड है या फिर क्या है? डिस्क्राइब्ड है। अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर्स, मार्क्स और एनी वन ऑफ दोज मींस इंटेंडेड टू बी यूज्ड और मे बी यूज्ड, या तो अभी यूज होगा या तो फ्यूचर में यूज होगा, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मेथड, देन दैट थिंग,
इज नोन एज व्हाट बेटा? डॉक्यूमेंट. क्या आपकी कॉपी डॉक्यूमेंट है? क्या वो सारी डेफिनेशन का फुलफिल कर रही है? इसमें कुछ मैटर है? हाँ. क्या वो एक्सप्रेस्ड है? हाँ. किस फॉर्म में है? लेटर फॉर्म में है? हाँ. फिगर भी हो सकती है? हाँ. इंटेंशन क्या है? ताकि क्या सके, ये अभी यूज हो सके या फिर फ्यूचर में यूज हो सके. क्यों? फॉर द पर्पज, ताकि वो चीज मैटर क्या हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए. उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डॉक्यूमेंट. आपको समझ में आया? दोबारा पढ़ते, व्हाट इज डॉक्यूमेंट? बहुत बार आया बेटा, दो नंबर का डेफिनेशन बहुत बार आया हुआ है पेपर में. व्हाट इज डॉक्यूमेंट? एनी डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर विच मे बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ फिगर्स, लेटर्स, मार्क्स और एनी मोर ऑफ वन ऑफ द मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज और टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर इज नोन एज वॉट बेटा? डॉक्यूमेंट. तो फटाफट से लिख देते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. आप जरूर लिख रहे बेटा, देखिए सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. अच्छा, हर एक्ट में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, वही सेम सेक्शंस हैं, अलग अलग होगा ना. तो ये सेक्शन 3 किसका बेटा? कंपनीज एक्ट का या इंडियन एविडेंस एक्ट का? इंडियन एविडेंस एक्ट का है ना. तो हम लोग डिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंट को एज पर द सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 states that खुद लिखना बेटा, बिना देखे मैं बोलता हूं, आप अच्छा बोल ही देता हूं. डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर. मैटर पे वो लगाना, क्या कहते हैं, अंडरलाइन कर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है. डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस. जैसे आपके लिए सब्सटेंस क्या है बेटा? कॉपी है ना. डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी पेपर, आपके लिए सब्सटेंस क्या है बेटा? पेपर. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिकली भी आप इसको लिख सकते हो क्या? हाँ, ईमेल लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो एविडेंस. सॉरी, ऑफ कोर्स एन एविडेंस, बट इट्स ऑल्सो डॉक्यूमेंट है ना. अच्छा, तो क्या लिखा बेटा? मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी वर्ड बेटा? सब्सटेंस को अंडरलाइन कर देना, इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया. बाय मीन्स मतलब तरीके, मीन्स को भी अंडरलाइन कर देना. By means of क्या क्या तरीके हैं? Of letters, figures और marks. By means of letters, comma figures और marks. Or by more than one of those means. Or by more than one of those means. What do you? Or by more than one of those means. या तो आप सारा मिला के ऐसे बना रहे हो. Comma. इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड, ये तो अभी यूज आएगा. इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड, ये कहां पे आ गया बेटा? फ्यूचर में. और विच मे बी यूज्ड कॉमा. पर्पस क्या है बेटा? फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर. फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर. यह तो क्लियर हो गया. यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ वर्ड बेटा? डॉक्यूमेंट. यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ वर्ड बेटा? डॉक्यूमेंट. आपने क्या एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कभी सुना बेटा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये, सुना कभी? दोनों का आपको मीनिंग पता है? नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? करेक्ट, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही. नेगोशिएबल का मतलब क्या है? ट्रांसफर करना. और इंस्ट्रूमेंट मतलब व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट? लेट अस डिफाइन इंस्ट्रूमेंट. हाँ, इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट. अच्छा, क्या इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है? हाँ. अच्छा, एक बार आए वापस इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन आपको दिख रहा है बेटा? हाँ बोलो. हाँ नहीं बोल रहे बेटा? हाँ. तो इंडियन सॉरी इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड बाय द इंडियन स्टैम्प एक्ट. किसने डिफाइन किया बेटा इसे? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899. किसने डिफाइन किया बेटा? इंडियन स्टैम्प. अच्छा, ये स्टैम्प एक्ट क्या बताता होगा बेटा? इसका ये लॉ क्या बताता होगा? जैसे मैंने आपको बताया इंडियन एविडेंस एक्ट बताता होगा कि क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस नहीं है. अच्छा, इंडियन स्टैम्प एक्ट क्या बताता होगा? कितना, हाँ मतलब किस डॉक्यूमेंट पे कितने रुपए का क्या लगेगा? स्टैम्प लगेगा. जैसे अगर आप रजिस्ट्री कराते हो अपने घरों की, घर की रजिस्ट्री होती है बेटा, कितने लोग को पता घर की रजिस्ट्री होती है? हाँ, उसके ऊपर आपने देखा वो नोट लगे होते हैं, वो जो आपको कोर्ट से मिलते हैं, कितने लोगों ने देखे हैं वो सब? हाँ, शाबाश. अच्छा, वो कितने कितने कितना लगता है बेटा, जल्दी से बोलो, कितना स्टैम्प है बेटा? अगर आप घर ट्रांसफर कर रहे हो कितना परसेंट है?
एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने कितना परसेंट स्टैंप ड्यूटी पे करना होता है आपको? 100 रुपए, शाबाश बेटा। 8% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आपको स्टैंप ड्यूटी देनी होती है, 8% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आप अगर आप 1,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो कितना स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी? 8,000। और अगर ये वुमेन करती हैं तो 6% हो जाती है, अगर वुमेन एंड मैन दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो 7% होता है, 1,100 रुपए। अब सोचो अगर आप 5 करोड़ की वैल्यू ट्रांसफर करें, स्टैंप ड्यूटी कितना जा रहा है कोर्ट के पास? तो ये सब डिफाइन होगा ना कि कितना परसेंट ड्यूटी, कितना परसेंट स्टैंप पे होगी। तो वो सब बातें कहां लिखी है बेटा? इंडियन स्टैंप एक्ट ने। और इंडियन स्टैंप एक्ट ने किसको वर्ड को डिफाइन किया बेटा? इंस्ट्रूमेंट। पढ़े बेटा, इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, इंस्ट्रूमेंट। अच्छा ये कौन सा डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? इंक्लूसिव। कैसे पता लगा इंक्लूसिव है? इंक्लूड्स। ओके पढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, तो मतलब एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट। ओके तो इंस्ट्रूमेंट मीन्स, सॉरी, इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट और लाइबिलिटी, बाय विच अ राइट और, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में एक राइट होता है किसी का? क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी राइट होता है? हाँ, एक बंदे का पैसा रिसीव करने का राइट होता है। क्या उसमें एक लाइबिलिटी होती है किसी को पे करने की? हाँ। क्या वो ट्रांसफर होती है? हाँ। तो जिस भी डॉक्यूमेंट से, जिस भी किससे बेटा, डॉक्यूमेंट से आप एक राइट को ट्रांसफर करते हो, आप एक राइट को क्या करते हो बेटा? ट्रांसफर करते हो। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंस्ट्रूमेंट। ये समझ में आया नहीं आया? ओके तो इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच ऑफ बाय विच एनी व्हाट बेटा? एनी राइट और लायबिलिटी इज प्रपोज्ड टू बी क्रिएटेड। प्रपोज्ड टू बी व्हाट बेटा? अच्छा केस में किसी का राइट और लायबिलिटी क्रिएट होती है क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी का राइट और लायबिलिटी क्रिएट होती है? हाँ। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई की लायबिलिटी क्रिएट होती है और पेई का राइट क्रिएट होता है। पेई कौन होता है? जिसको पैसा मिलता है। और ड्रॉई कौन होता है? जिसको पैसा देना है। तो उसमें किसी का राइट और लायबिलिटी क्या होती है बेटा? क्रिएट होती है। क्या होती है बेटा? क्रिएट होती है। ट्रांसफर भी हो सकती है, ट्रांसफर भी हो सकती है, किसी और के पास भी जा सकती है, एक्सटेंड भी हो सकती है, एक्सटेंड भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, एस्टिंग्विश्ड भी हो सकती है, एस्टिंग्विश्ड भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है बेटा? रिकॉर्ड भी हो सकती है। रिकॉर्ड भी हो सकती है, मतलब बन ही गया। तो उसको, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे उसको हम? इंस्ट्रूमेंट। आपके पास कॉपी है? कितने लोगों के पास कॉपी है बेटा? सबके पास कॉपी है। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, हम क्यों उठाए? ये क्या एब्सर्डिटी बातें कर रहे हैं, रिप्रेजेंसी वाली बातें कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो आपके साथ कॉपी है। अच्छा कॉपी, ये डॉक्यूमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है? ये डॉक्यूमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है? अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी पार्टी का कोई राइट और लायबिलिटी को, किसी राइट और लायबिलिटी को ना ही क्रिएट कर रहा है, ना ही ट्रांसफर कर रहा है, ना ही क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है, ना ही क्या कर रहा है बेटा? रिकॉर्ड कर रहा है, और ना ही क्या कर रहा है? एस्टिंग्विश कर रहा है। तो कोई भी अगर डॉक्यूमेंट, कोई भी अगर क्या बेटा, किसी का राइट और लायबिलिटी क्या करेगा? पांच बातें। राइट और लायबिलिटी क्या करेगा? पांच बातें। क्या क्या? क्रिएट करेगा और ट्रांसफर करेगा, एक्सटेंड करेगा, एक्सटिंग्विश करेगा, रिकॉर्ड करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इंस्ट्रूमेंट। लिख दे बेटा फटाक से। हाँ तो हम लोग सेकेंड डेफिनेशन लिखे हैं क्या? इंस्ट्रूमेंट। तो क्या एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट? अच्छा क्या एवरी डॉक्यूमेंट इज अ इंस्ट्रूमेंट? नो, एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट हो सकता है इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ क्या है? ये क्या नहीं है? आप अभी अभी क्या, अभी क्या करना? एक पेज पे, एक पेज खोलना, उस पर लिखना आई प्रोमिस टू पे साहिल सर सम ऑफ रुपीज 1,00,000 रुपीज। उस पेज को लिख के अपना साइन कर देना, उस पर स्टैंप लगा देना, उस पर डेट डाल देना, वो पेज क्या बन जाएगा बेटा? इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। क्यों इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा? क्योंकि आपकी क्या क्रिएट हो जाएगी? लायबिलिटी। और मेरा क्या क्रिएट हो जाएगा? राइट। करके जाना बेटा, है ना? अब तो तुम सब मेजर भी हो गए है ना? कैसे तुमने माइनर है यहां पर, वो मत लिखना, बस माइनर मत लिखना, बाकी मेजर लोग सारे लिख के चले जाना है ना, बाकी सब बाद में देख लो कोर्ट के अंदर। ओके इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स व्हाट बेटा? अच्छा आप डिफाइन करना सेक्शन कौन सा डिफाइन करता है बेटा? टू क्लॉज कौन सा बेटा? 14। इसके दोनों सेक्शन याद करना बेटा, पेपर में आता है इसलिए हम याद करेंगे। टू क्लॉज 14 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट, टू क्लॉज 14 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899।
आपको दिख रहा है बेटा कि बिल्कुल दाग क्यों पाया, क्योंकि दाग अच्छे होते हैं। सेक्शन टू क्लॉज 14 ऑफ द इंडियन स्टैंप एक्ट कौन सा बेटा, 1899, स्टेट्स दैट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट instrument includes every document by which includes every document by which right or liability by which right or liability next line में लिखना। अब जो next बात है next line में ताकि आपको याद होगा, तोड़ तोड़ के लिखेंगे याद होगा है ना। by which right or liability is पांच बातें लिखते हैं direct is created, transferred, extended, extinguished or recorded. Is created, transferred, extended, extinguished or recorded. ये क्लियर हुआ बेटा? एक इसमें साथ में एक लाइन आ रही है हमारे इंडिया के अंदर, कहां के अंदर बेटा, हमारे इंस्ट्रूमेंट और डीड का मीनिंग सेम है, तो आप एक चीज को इंस्ट्रूमेंट बोल दो या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, डीड। अच्छा आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखा है, अच्छा क्या वो भी एक राइट क्रिएट करता है? हाँ, लिखा होता है उसमें सब कुछ कि ये राइट्स है, इसको प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा, इसको इतना सैलरी मिलेगा, इतना कमीशन मिलेगा, इतना इंटरेस्ट लोन मिलेगा, तो क्या वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, इंस्ट्रूमेंट बोल दो, डीड बोल दो, बात एक है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड। और इसलिए हम उसको क्या नहीं बोलते, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं बोलते, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट के साथ साथ क्या है बेटा, एक राइट और लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड। अब वो क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट यहां तक? नहीं। नेक्स्ट हेडिंग देना बेटा इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट एक हेडिंग देना बेटा इंटरप्रिटेशन, इसका मीनिंग लिखना बेटा, व्हाट इज इंटरप्रिटेशन इज, डाय चाह के लिखना, मैं जो लिखाऊंगा वो लिखना, इज टू गिव द रियल मीनिंग और टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ लॉ, इज टू क्या लिखा इज टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं कि बस उसको पढ़ दो, इंटरप्रिटेशन का मतलब नहीं है क्या उसे, इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि आप उसका क्या ढूंढो, उसका रियल मीनिंग, आप क्या समझो उसका रियल मीनिंग के साथ साथ क्या समझो उसका, क्या इंटेंशन था क्या बेटा लॉ का। तो जब आप एक चीज को पढ़ रहे हो उसका इंटेंशन ऑफ लॉ के साथ, उसको किसके साथ बेटा, इंटेंशन ऑफ लॉ के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्ड बेटा, इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा हम, इंटरप्रिटेशन। ये क्लियर हो गया बेटा? अब इंटरप्रिटेशन को लिख के दो पार्ट में डिवाइड करना बेटा आप लोग, इंटरप्रिटेशन को लिखकर दो पार्ट में आप डिवाइड करना बेटा, एक तरफ लिखना दो पार्ट में, फर्स्ट तरफ लिखना लीगल और एक तरफ लिखना डॉक्ट्रिनल, एक तरफ लिखना लीगल और एक तरफ क्या लिखना बेटा, डॉक्ट्रिनल, DOCTRINAL। देखा बेटा आप लोगों को, पक्का? अच्छा, हमने इंटरप्रिटेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा, बोलो ना तुम लोग मेरे साथ, एक लीगल और एक, अच्छा ये रूल्स जो हम बनाए हैं ये कोर्ट्स ने बनाए होंगे ना, अच्छा कोर्ट्स ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बनाए होंगे, अच्छा क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनको देखते होंगे, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनको इंटरप्रेट कर, जब कुछ लॉ इंटरप्रेट कर रहे होंगे तो इनको स्टडी करते होंगे, तो उसे बोलते हैं लीगल इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, व्हाट इज लीगल इंटरप्रिटेशन, हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम लोग जो बना हुआ है ना रूल्स उसी के हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। व्हाट इज लीगल इंटरप्रिटेशन, जो रूल्स पहले से बने हुए हैं उसी के बेस पे क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, लीगल इंटरप्रिटेशन। और एक होता है डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन, कौन सा इंटरप्रिटेशन बेटा, हम वो भूल जाते हैं क्या बना हुआ है, हम अपने तरीके से उसे क्या करते हैं बेटा, इंटरप्रेट करते हैं, हम उसको अपने तरीके से क्या करते हैं। तो मतलब जब एक नया रूल बन रहा होता है
जब क्या बना होता बेटा एक, तो उसे हम क्या बोलते बेटा, डॉक्ट्रिनल, क्या बोलते उसको हम, डॉक्ट्रिनल। मैं दोबारा बात करता हूं, अगर आप सिर्फ जो रूल बना हुआ है उसी के बेस पे उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, जो रूल बना हुआ है उसी के बेस पे उसे क्या कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीगल इंटरप्रिटेशन। और अगर आप उसको भूलकर, किसको भूलकर, जो बना हुआ उसको भूलकर आप क्या कर रहे हो, खुद का मतलब खुद का इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, खुद का क्या दे रहे हो बेटा, इंटरप्रिटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डॉक्ट्रिनल। अच्छा दो तरह का इंटरप्रिटेशन हो गया, जल्दी से बोलो ना क्या क्या, बोलो ना, लीगल इंटरप्रिटेशन और एक, जैसे आप लोग जब मैं आपको कम्युनिटी एक्ट पढ़ाऊंगा तो जो रूल हमें पढ़े उसके हिसाब से पढ़ेंगे, तो हम लीगल इंटरप्रिटेशन करेंगे, डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन करेंगे। जब मैं आपको बोलूंगा कि बेटा ये जो बात है ना इसमें अभी तक एम्बिग्यूटी है, कोर्ट ने भी आज तक इसको सॉल्व नहीं करा, मैं सॉल्व करके दूंगा इसको, तो वो क्या होगा, डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। ऐसा आएगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ शाबाश बेटा, कितना विश्वास करते हो तुम मुझ पर। तो एक हो गया लीगल इंटरप्रिटेशन और एक, व्हाट इज लीगल इंटरप्रिटेशन, जो रूल्स बने हुए हैं उसको उसी हिसाब से क्या करना, इंटरप्रेट करना, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, व्हाट इज डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन, जो बना हुआ है उसको ना देख के खुद अपना इंटेंशन ऑफ लॉ को पढ़ते हुए, क्या पढ़ते हुए, और खुद अपना क्या देना, इंटरप्रिटेशन देना, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। आपको समझ में आया, आ गया, ओके। तो आप लीगल के नीचे लिख देना व्हेन रूल्स विच आर मेड, व्हेन रूल्स विच आर मेड, व्हेन रूल्स विच आर मेड, जो रूल्स बने हुए हैं, रूल्स विच आर मेड आर यूज टू इंटरप्रेट, आर यूज टू इंटरप्रेट, व्हाट इज आर यूज टू इंटरप्रेट, जो रूल्स बने हुए हैं उसी के बेस पे क्या किया जा रहा है बेटा, इंटरप्रेट किया जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लीगल इंटरप्रिटेशन। और डॉक्ट्रिनल के नीचे लिखना बेटा आप लोग मेरे हिसाब से ही करते हो, जैसे मैं बोलता हूं दो पार्ट में डिवाइड करो, ऐसे ही करते हो ना। हाँ, डॉक्ट्रिनल के नीचे लिखना क्या, व्हेन रियल मीनिंग इज टू बी डिस्कवर्ड, व्हेन रियल मीनिंग इज टू बी डिस्कवर्ड, इज डिस्कवर्ड, अभी तो देखना है हमें उसको, बस फुल स्टॉप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं बेटा, डॉक्ट्रिनल। यहां तक समझ में आया बेटा, कितने लोगों को समझ में आया यहां तक, एक लीगल इंटरप्रिटेशन, एक डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज लीगल इंटरप्रिटेशन, जो रूल बने हुए हैं उसी के हिसाब से उसे इंटरप्रेट करना, और व्हाट इज डॉक्ट्रिनल, मतलब आप उसको उसका रियल मीनिंग आप ढूंढ रहे हो, तो दैट इज व्हाट डॉक्ट्रिनल। अच्छा बड़े ध्यान सुनना, लीगल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करना बेटा, एक ऑथेंटिक एक यूजुअल, लीगल को फर्दर डिवाइड करना दो पार्ट में, लीगल को डिवाइड करना कितने पार्ट में, दो पार्ट में, एक तरफ लिखना ऑथेंटिक, ऑथेंटिक इज ए यू टी एच ई एन टी आई सी, ऑथेंटिक, और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे बेटा, यूजुअल, एक तरफ हम लिखेंगे ऑथेंटिक और एक तरफ क्या लिखेंगे, यूजुअल। अच्छा ऑथेंटिक के नीचे लिखना, अच्छा मैं पहले आपको समझाता हूं फिर लिखेंगे। अच्छा व्हाट इज लीगल इंटरप्रिटेशन, पहले बताओ मुझे, जो रूल्स बने हुए हैं, अगर जो रूल बना हुआ है और वो लॉ नहीं बना रखे हैं, किसने बना रखे हैं, लॉ ने, लेजिस्लेटर बोलते बेटा उनको हम लोग, क्या बोलते हैं उसे, बोले लेजिस्लेटर, जो लॉ बना रहे हैं, जो क्या बना रहे हैं, तो अगर लॉ ने ही आपको इंटरप्रिटेशन क्या दे दिए बेटा, तरीके, जैसे जो हमने पढ़े ये आपको लॉ ने दिए, कोर्ट्स ने दिए, जो रूल्स दिए ये कोर्ट्स ने दिए, ये किसने दिए बेटा, तो क्या आपको लॉ भी इंटरप्रेट करने के तरीके दे सकता है, सॉरी हाँ, ये जो रूल्स हमने पढ़े ये कोर्ट ने दिए, लॉ ने दिए बेटा, आप लोग नहीं बोल रहे बेटा, ये किसने दिए बेटा रूल्स, क्या लॉ भी हमें वो बता सकते हैं कैसे पढ़ना है, हाँ लॉ ने बता रखा है, हाँ आपका थर्ड एक चैप्टर लिखवाया था मैंने अदर लॉज में, उसका नाम याद है आप लोगों को बेटा, जनरल क्लॉज एक्ट, कौन सा एक्ट बेटा, जनरल क्लॉज एक्ट में लॉ ने बता रखा है कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है, कोर्ट ने नहीं बता रखा, किसने बता रखा है, लॉ ने, तो जब लॉ खुद बताता है, क्या बताता है, लॉ रूल्स टू इंटरप्रेट, उसमें बोलते हैं ऑथेंटिक, क्या बोलते हैं उसको बेटा हम, तो मतलब ये रूल्स किसने बनाए, लॉ ने, ये रूल्स किसने बनाए, और जो रूल्स लॉ नहीं बताता उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, यूजुअल। तो आपने जो रूल्स पढ़े प्राइमरी सेकेंडरी, ये लेजिस्लेटर ने बनाए हैं या ये कोर्ट्स ने बनाए हैं,
तो ये यूजुअल है या ऑथेंटिक है? यूजुअल है. और जो जनरल क्लॉज एक्ट में आप पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे आप, वो कौन से है बेटा? ऑथेंटिक. व्हाट इज ऑथेंटिक? ये लॉ ने बनाए. किसने बनाए? मैं दोबारा बताता हूं, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दो लोग बना सकते हैं. रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को बना सकते हैं एक लॉ मेकर्स और एक कोर्ट, जुडिशियल ऑफिसर्स. एक लॉ मेकर्स और एक जुडिशियल ऑफिसर. अगर लॉ मेकर्स बना रहे हैं तो ऑथेंटिक, अगर कौन बना रहे हैं? कोर्ट्स, तो यूजुअल. यहां तक क्लियर हुआ? आपको जनरल क्लॉज एक्ट याद है? मैं थोड़ा सा आपको समरी में उसको बता दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन हो. आपको पता है व्हाट इज जनरल क्लॉज एक्ट? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने आपको एग्जांपल ही दिया था. जैसे लॉ लिखता है कि ही शैल बी पनिशेबल, तो वो शी नहीं लिखता, तो फिर वहां पे अगर किसी वुमेन ने कर दिया तो उसको सजा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर जहां ही है वहां पे उसको इंटरप्रेट लॉ मेकर ने बोला. किसने बोला? कि अगर क्या लिखा है वर्ड ही, तो वहां पे आप उसको ही भी पढ़ोगे और उसको आप क्या पढ़ोगे? शी भी पढ़ोगे. मतलब पर्सन वुड बी लायबल, पर्सन लिखा है और वो करने वाले दो लोग है, मर्डर दो लोग ने करा. अच्छा क्या सोचा? मर्डर दो लोग मिलकर करें. अच्छा फिर जब उसने लिखा पर्सन वुड बी लायबल, उसने लिखा हम तो पर्सन है, दो लोग ने मिलकर खून करा है, वहां लिखा पर्सन वुड बी लायबल. ये समझ में आया नहीं आया? तो उन दोनों को जेल जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? तो एक उसने लिखा जहां पे सिंगुलर है वहां पर प्लूरल है, और अगर उसने लिख दिया पर्सन वुड बी लायबल, उसने एक ने अकेले मर्डर करा, वो क्या बोलेगा? देखो लिखा क्या है, पर्सन, मैं तो पर्सन हूं. उसको जेल जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? जहां प्लूरल है वहां पर सिंगुलर है. तो ये जो रूल दिए इंटरप्रेट करने के, ये लॉ मेकर ने दिए या कोर्ट ने दिए? तो ये ऑथेंटिक है बेटा. क्या है बेटा ये? तो अगर आपके रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन किसने बनाए? लेजिस्लेटर ने. किसने बनाया बेटा? तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑथेंटिक. और अगर वो किसने बनाया बेटा? कोर्ट्स ने. तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूजुअल. तो आप उसके नीचे क्या लिखोगे? ऑथेंटिक के नीचे क्या लिखोगे? रूल्स मेड बाय होम बेटा? रूल्स मेड बाय लेजिस्लेटर. ऑथेंटिक के नीचे हम लिख देंगे क्या लिख देंगे बेटा? रूल्स मेड बाय लेजिस्लेटर. ऑथेंटिक के नीचे हम लिख देंगे बेटा रूल्स मेड बाय लेजिस्लेटर. और उसके नीचे क्या लिख देंगे बेटा हम? यूजुअल के नीचे बाय रूल्स मेड बाय जुडिशियल्स. रूल्स मेड बाय जुडिशियल. तो जो हमने रूल्स पढ़े हैं बेटा, ये रूल्स जो प्राइमरी सेकेंडरी, देर यूजुअल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन या देर ऑथेंटिक रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन? यूजुअल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. ये क्लियर हुआ बेटा? अब मैं सेकेंड पार्ट में आया. सेकेंड पार्ट हमने क्या लिखा बेटा? डॉक्ट्रिनल. डॉक्ट्रिनल को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा. डॉक्ट्रिनल को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा हम लोग, एक ग्रामेटिकल एक लॉजिकल. एक ग्रामेटिकल और एक क्या लिखेंगे बेटा? लॉजिकल. ग्रामेटिकल और लॉजिकल. जब कोर्ट उसको ऑर्डिनरी मीनिंग को, अच्छा सॉरी, जब कोर्ट लिटरली उसको समझते हैं. जब कोर्ट उसको कैसे समझते हैं बेटा? व्हाट इज लिटरली समझते हैं? वर्ड बाय वर्ड. तो उसे हम बोलते हैं ग्रामेटिकल. क्या बोलते उसको हम? इसने ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन दी. क्या मतलब हुआ? जो लिखा है वही उसी का मीनिंग दिया. इसने इसको लॉजिकल मीनिंग दिया. व्हाट इज लॉजिकल मीनिंग? जो लिखा है उसको भूलकर जो सेंसुअल मीनिंग निकलता है, जो क्या निकलता है उसका, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लॉजिकल. तो आप ग्रामेटिकल नीचे क्या लिखोगे बेटा? लिटरल. लिटरल मीनिंग हम नीचे लिख देते हैं ग्रामेटिकल के नीचे, लिटरल मीनिंग. लिटरल मीनिंग. और लॉजिकल के नीचे लिख देते हैं गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स. लॉजिकल के नीचे लिख देते हैं गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स. गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स एंड ट्राई टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ लॉ. गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स एंड ट्राई टू डिस्कवर द वर्ड बेटा? इंटेंशन ऑफ लॉ. तो उसे हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल या ग्रामेटिकल? लॉजिकल. बियॉन्ड द वर्ड्स एंड ट्राई टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ लॉ. तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लॉजिकल. तो हमारा इंटरप्रिटेशन का एक टॉपिक खत्म हुआ. व्हाट इज इंटरप्रिटेशन बेटा? जल्दी से बोलो. इंटरप्रिटेशन इज टू फाइंड द रियल मीनिंग और टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लॉ. कितने पार्ट का बेटा ये? दो. एक लीगल और एक डॉक्ट्रिनल. लीगल कितने पार्ट का? अच्छा लीगल मतलब जो रूल्स बने हुए हैं उसी को यूज कर लो. व्हाट इज क्या कहते हैं लीगल? जो रूल्स बने हुए हैं उसी को यूज कर लो. जब हम लोग बोलेंगे रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जब पढ़ लो,
तो आप क्या बोले, ये क्या बेटा लीगल इंटरप्रिटेशन? और लीगल इंटरप्रिटेशन में कौन सा वाला लीगल इंटरप्रिटेशन, ऑथेंटिक है यूजुअल? यूजुअल। अगर बोलूंगा देखो ही लिखा है, लेकिन अगर वुमेन ने किया तो वो भी जेल में जाएगी, तो ये कौन सा इंटरप्रिटेशन हो गया? ऑथेंटिक। ये कौन सा हो गया? और उसने अच्छा, क्या हमारे लॉ ने इंटरप्रेट करने का बता रखा है कैसे करना है? क्या लॉ ने कैसे इंटरप्रेट करना है? अच्छा एक काम करो, आपने एक दोबारा हेडिंग दो इंटरप्रिटेशन, दोबारा हेडिंग दो इंटरप्रिटेशन, दोबारा हेडिंग दो बेटा क्या, इंटरप्रिटेशन। क्लियर हो गई है? इंटरप्रिटेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देना फिर दोबारा। अच्छा तो लॉ मेकर देंगे, लॉ मेकर, लॉ मेकर समझ, व्हाट इज हुआ द लॉ मेकर, लेजिस्लेटर, या तो वो कौन देंगे, कोर्ट देंगे, उसी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑथेंटिक और यूजुअल। अच्छा क्या हमारे इंडिया में लॉ मेकर्स ने बता रखे क्या रूल्स इंटरप्रिटेशन के? क्या हमारे इंडिया में लॉ मेकर्स ने रूल बना रखे हैं? हाँ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जनरल क्लॉज एक्ट। तो आप किसके नीचे लिख दो जनरल क्लॉज एक्ट बेटा? नहीं, लॉ मेकर के नीचे लिखोगे या फिर आप जुडिशियल के नीचे लिखोगे? आपने क्या डिविजन किया दो पार्ट में, एक एक तरफ लिखा लॉ मेकर्स और एक तरफ क्या लिखा बेटा, कोर्ट। ओके, जुडिशियल या कोर्ट एक ही बात हुई, एक तरफ लिखा लॉ मेकर और एक तरफ क्या लिखा बेटा हमने, जुडिशियल या फिर क्या बेटा, कोर्ट्स। अच्छा जनरल क्लॉज एक्ट वो लॉ मेकर है, कोर्ट्स है लॉ मेकर्स, तो लिख दो उसके नीचे जनरल क्लॉज एक्ट। अच्छा मतलब जब मैं आपको जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पे इंटरप्रेट करने के रूल्स किसने दिए हैं, लॉ मेकर्स ने। और जब मैंने अब जो आपने ये वाला लिखा, क्या लिखा बेटा, कोर्ट्स, इसमें हम लिख दो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, कोर्ट्स के नीचे लिख दो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, आपको याद रहेगा है ना। तो जब मैंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल पढ़े, ये कोर्ट्स ने दिए या फिर ये लॉ मेकर्स ने दिए बेटा, कोर्ट्स ने दिए। आपको समझ में आया नहीं आया? आया। ओके दोबारा चलते हैं इंटरप्रिटेशन, पहले वाले टेबल पे आते हैं। इंटरप्रिटेशन कितने पार्ट का बेटा, दो, एक लीगल और दूसरा डॉक्ट्रिनल। लीगल फॉर द दो पार्ट में क्या, ऑथेंटिक और एक यूजुअल, और फिर उसका डॉक्ट्रिनल दो पार्ट का, एक ग्रामेटिकल और एक लॉजिकल। जब जो लिखा है उसी को पढ़ते हो वो ग्रामेटिकल, और जब जो लिखा है उसको भूल कर आप इंटेंशन ऑफ लॉ ढूंढते हो तो लॉजिकल। आपको याद रहेगा? हाँ। ओके एक और हेडिंग डालते हैं बेटा हम लोग, ये इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग होगी बेटा। तुम्हें खुशी हो रही है तो खुशी नहीं हो रही बेटा, बट मुझे खुशी दिख नहीं रही बेटा। रूल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ, रूल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट बेटा, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मतलब एक डीड को, एक डॉक्यूमेंट को कैसा वो इंटरप्रेट करना है, उसके लिए क्या बने हो बेटा कुछ रूल्स हैं ऊपर वाले, बस एक आईसीआई ने अलग से एक वो दे दिया, कहते हैं एक टॉपिक। इसके अंदर लिखना पॉइंट नंबर वन, इसके अंदर लिखना क्या बेटा, पॉइंट नंबर वन, द डॉक्यूमेंट शुड बी रेड, द डॉक्यूमेंट एंड डीड, दोनों लिख देना, द डॉक्यूमेंट एंड डीड शुड बी रेड according to the circumstances, comma, when it was made, according to the circumstances, comma, when it was made. What do you mean? When it was made, जब बना था उस समय क्या थे circumstances, उस समय क्या, हिंदी लगा गया, उस समय क्या था, हालात, उस समय क्या थे जो हालात, उसके हिसाब से पढ़ना है, किसके हिसाब से पढ़ना है, उसके हालात के, हालात, ओके पॉइंट नंबर टू, मतलब आपको एक डीड और डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ना है बेटा, जो उस समय के क्या थे, हालात थे, उसके बेस पे, हाँ परिस्थिति, ओके आपको समझ में आया ना, हाँ ओके। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा बेटा, कि आपको डॉक्यूमेंट को या डीड को कैसे पढ़ना है, उस समय के क्या समझ के, सरकमस्टांस समझ के, उस समय क्या समझ के बेटा, सरकमस्टांस समझ के, पॉइंट नंबर टू। इफ इन अ डॉक्यूमेंट क्या लिखा, इफ इन अ
इसे काट दो बेटा, फिर लिखना जो मैं बताऊंगा पॉइंट नंबर टू, इफ इन अ डॉक्यूमेंट काट दो। अब लिखना अ डेफिनेशन इन अ डॉक्यूमेंट, अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, सॉरी अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, क्या लिखा बेटा आपने, अ सेम वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, अ सेम वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। क्या ये कर रहे हो तुम, ये क्रिएटिविटी होती है, खुद मैं बोलता हूं। अ सेम वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट कैनॉट हैव, अ सेम वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट कैनॉट हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स। वट यू आर सेम वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट कैनॉट हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स, क्या मतलब इसका बेटा, जल्दी से बोलो तुम लोग बेटा, एक ही शब्द के एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग मीनिंग, सही भी है। जब एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो एटलीस्ट जो वर्ड्स लिखोगे वो सेम वर्ड्स लिखो विच हैव द सेम मीनिंग या डिफरेंट मीनिंग, सेम मीनिंग। ओके, कौन से पॉइंट हो गए, कौन से पॉइंट हो गए बेटा, पॉइंट नंबर टू। अच्छा पॉइंट नंबर वन बोलो मुझे क्या था, इट शुड बी राइट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस, और दूसरा दूसरा अगर दो वर्ड्स हैं सेम वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या होना चाहिए, एक। तो दिस इज थर्ड लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे बेटा, थर्ड द स्टेटस एंड द ट्रेनिंग ऑफ द पार्टीज, द स्टेटस एंड द ट्रेनिंग ऑफ द पार्टीज शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू कंसिडरेशन, द स्टेटस एंड ट्रेनिंग ऑफ द पार्टीज should also be taken into consideration. The status and training of the parties should also be taken into what beta? Consideration. अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, जो लोग बना रहे हैं ना उसको, किसको बना रहे हैं, जो लोग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, चेक करूंगा स्टेटस क्या है। अच्छा अगर वो एक इंजीनियर बना रहा है, कौन बना रहा है बेटा उसे, तो आप वर्ड्स को टेक्निकल मीनिंग दोगे, उसके वर्ड को टेक्निकल मीनिंग नहीं दोगे, टेक्निकल मीनिंग देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि इंजीनियर बना रहा है। अच्छा अगर एक एमबीए बना रहा है, कौन बना रहा है बेटा एक, तो उसमें आप उसको टेक्निकल मीनिंग दोगे, टेक्निकल मीनिंग नहीं देंगे, आप समझ रहे हो ना। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट लिखा है ये किसने लिखा है, अच्छा उससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे, अगर मुझे ये पता लग जाए कि कौन बंदा था जिसने बनाया था तो मुझे क्या पता लग जाएगा कि वो क्या लिख सकता है। अगर लेट्स सपोज कोई कॉमर्स का बच्चा बना रहा है, कौन बना रहा है एक डॉक्यूमेंट, और अगर वो वर्ड यूज कर सिक्योरिटी, क्या वर्ड यूज कर सकता है, क्या वर्ड यूज कर रहा है, तो हो सकता है किसके बारे में बोल रहा हो, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में, क्यों, क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट है वो। अच्छा एक साइंस का बच्चा एक वर्ड यूज कर सिक्योरिटी, तो एक कंफर्म्ड है वो शेयर डिबेंचर की बात नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, तो आपको समझ में आया। तो जो बंदा बना रहा है, जो बंदा उसका स्टेटस क्या है, वो उसका स्टेटस क्या है, वो क्या करता है, वो कौन है, उसका ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग वो किसमें ट्रेंड है, इंजीनियर है वो, सीए है वो, लॉयर है वो, क्या कहते हैं और क्या क्या हो सकते हैं लोग, डॉक्टर है वो, और क्या क्या हो सकते हैं लोग, टीचर, हाँ शाबाश बेटा, टीचर है और क्या क्या हो सकते हैं लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, बेरोजगार बेटा, बेरोजगार क्यों बनाएगा एक डीड। अच्छा हाँ अगर एक बेरोजगार बनाएगा डीड बेटा, तो उसके ऑर्डिनरी सा मीनिंग देंगे या उसको बहुत टेक्निकल मीनिंग देंगे, ऑर्डिनरी सा मीनिंग देंगे, क्यों ऑर्डिनरी सा मीनिंग देंगे, क्योंकि वो बेरोजगार है। अच्छा एक टेंथ पास वाला बंदा अगर एग्रीमेंट बनाएगा तो उसको एक ऑर्डिनरी मीनिंग से पढ़ेंगे, टेक्निकल मीनिंग से पढ़ेंगे, अरे क्यों ऑर्डिनरी मीनिंग, टेंथ पास है वो, थोड़ी ना लिखेगा ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स, ये समझ में आया नहीं आया आपको, आपको समझ में आया। तो जब आप एक डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हो, क्या करो बेटा डॉक्यूमेंट को, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस बंदे ने क्या, उस बंदे का स्टेटस था और क्या उस बंदे की क्या थी बेटा, ट्रेनिंग थी, शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। पॉइंट नंबर फोर्थ, इफ इन अ डॉक्यूमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर, कॉमा, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू क्लॉज, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू लॉज, If in a document there is a conflict between two clause, clause समझ गए, what is clause? What is your clause? Clause मतलब वही points. Clause मतलब क्या हो गया बेटा? Points आप लिख देना bracket में, आपको revision के समय याद रहेगा. Clause मतलब क्या हो गया? Points. अच्छा दो points के बीच में आपस में क्या हो गया बेटा?
कॉन्फ्लिक्ट हो गए, तो क्या करना चाहिए, दोनों को पढ़ना चाहिए या एक को पढ़ना चाहिए? दोनों को कॉमा डाल के देन बोथ शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस, देन बोथ शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस. व्हाट इज बोथ शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस? दोनों को आपको पढ़ना है, किसी एक को छोड़ना नहीं है. कॉमा ये फुस्ट डाल दो, फुस्ट डाल दो. इफ नॉट पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल दोनों फॉलो नहीं हो सकता तो क्या होगा बेटा? स्पेसिफिक और ऐसा भी नहीं है तो क्या होगा? आप कहते हैं लेटर दी बेटर, याद पढ़ा था मैंने आपको, यहां पे अर्लियर दी बेटर होता है. डॉक्यूमेंट में क्या होता है बेटा? अर्लियर दी बेटर. तो आप क्या लिखोगे बेटा? हाँ, जो क्लॉज पहले उसको मान लेने का. फुस डाल के क्या लिखा? इफ नॉट देन ओल्ड इज गोल्ड. करेक्ट. हाँ, शाबाश बेटा. इफ नॉट देन, देन वॉट कॉमन लगा के लिखना? अर्लियर इज बेटर. वट इज अर्लियर इज बेटर? ओल्ड इज गोल्ड. जो पहले लिखा है उसे मान लो. तुम्हारे चार पॉइंट हो गए, मैं एक बार रिपीट करता हूं फिर आपसे डाउट ले लूंगा बेटा. जल्दी से बोलो, पहला पॉइंट क्या हुआ? उसके सरकमस्टांस समझो, उसके सरकमस्टांस समझो, जो हालात थे उस समय के समझो. पॉइंट नंबर टू, एक ही डॉक्यूमेंट में सेम वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग नहीं हो सकते. तीसरा पॉइंट, जिस बंदे ने बनाया है उसका स्टेटस देखो, उसका ट्रेनिंग देखो, उसका स्पेशलाइजेशन देखो. और पॉइंट नंबर फोर्थ, अगर दो क्लॉज आपस में क्या कर रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट. तो पहले क्या ट्राई करो? दोनों को फॉलो करो. नहीं हो पा रहा तो अर्लियर दी बेटर. तो दिस इज अ वे टू इंटरप्रेट अ डॉक्यूमेंट. मैं आपसे डाउट पूछ रहा हूं बेटा. अब अगर आप डाउट नहीं लेना चाहते मेरे से तो आप स्कैनर पे आ जाना बेटा. क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा एक बार. वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर हमने पढ़ लिया बेटा. इससे अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, इसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे बेटा. केस स्टडी कम आएंगे, चांसेस बहुत कम है. कौन से क्वेश्चन आएंगे बेटा? डायरेक्ट. और एमसीक्यू अगर आपने जितना मैंने लिखवाया है आपको, अगर आपने इतना पढ़ लिया बेटा, आई कैन गारंटी यू पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो सब्जेक्टिव है चाहे ऑब्जेक्टिव है, यू विल बी एबल टू गेट मार्क्स इन दिस क्वेश्चन 100% मेरी तरफ से. ओके, पहला क्वेश्चन देखें. पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है. क्या बात है, इसे बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक. तुम्हारे पास आगे, अच्छा क्या ऐसा 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 हो गया? मैं समझा नहीं कैसा हुआ. अच्छा, ओ ये तुमने ध्यान ही नहीं दिया वाइल राइटिंग अ डॉक्यूमेंट. ये मैंने कॉपी किया होगा या मैंने खुद बनाया होगा बेटा? ओ आई नेवर इंटरप्रेटेड दिस थिंग. ओके, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग. एक्सप्लेन द रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन. ये हमें पता है बेटा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया. एक्सप्लेन द व्हाट रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन विद एन एग्जांपल. क्या आपको एग्जांपल दिया था मैंने? हाँ, कौन सा वाला? शूज वाला, याद आया? ओके, क्या आप क्वेश्चन नंबर 1 खुद लिख सकते हैं बेटा? हाँ, ओके. मैं नेक्स्ट आया, एक्सप्लेन द इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. देखो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आया. क्या हम इसे लिख सकते हैं? हाँ, इंटरनेट तो बहुत सारे हैं ना. कौन से वाले बेटे? बहुत सारे. डेफिनेशन, मार्जिनल नोट्स, हेडिंग, टाइटल, प्रीएम्बल, सेक्शन का हेडिंग, डेफिनेशंस और मार्जिनल नोट्स, प्रोवाइजोज, सब्जेक्ट टू, विदाउट प्रिजुडाइज, नॉट विदस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशंस, ये सब. दीज आर ऑल व्हाट बेटा? दीज आर व्हाट बेटा? इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो बेटा आप लोग? हाँ, ओके. ये तो सारा पूरा वही पूरा 2 चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता आ रहा है. आपको जो मैंने लिखवाया है आपको वही लिख के आना है या आप अपना भी बना सकते हैं बेटा? क्यों अपना बना सकते हैं? तो मैं क्यों लिखवा रहा हूं? मैं क्या टाइम पास कर रहा हूं क्या? आप क्या लिखोगे बेटा? जो मैंने लिखवाया वही लिखोगे या अपना लिखोगे बेटा? हाँ, ऑफकोर्स. मैं टाइम क्यों लगा रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 3 पे आया मैं, आप लोग भी आए बेटा. अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे ना? सिंपल है. क्या लिखना बेटा? इंटरनल एड्स. डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 पे आए आप लोग? पता नहीं आए नहीं आए. हाँ बोलो ना बोलो. ओके, प्रीएम्बल क्या करता है बताओ? पर्पस बताता है. उसने बता रखा है प्रीएम्बल क्या करते हैं बता दो. मार्जिनल नोट्स क्या करते हैं बता दो. हेडिंग क्या करते हैं बता दो. ये मार्ज नहीं समझ में आया. टाइटल क्या मतलब? उसने बस इंटरनल एड्स सारा ना पूछ के कुछ पूछ लिए. कुछ पूछ लिया समझ में आया? दो दो नंबर के, तीन तीन नंबर के, ये बता दो क्या करता है. ऐसा भी आ सकता है. हाँ, जैसे 4 नंबर के 8 दे देगा वो आपको. 4 नंबर के 8 नहीं दे देगा, मैंने सही बोला? 8 नंबर के 4 दे देगा. हाँ, मैं वही देख रहा हूं तुम लोग सही समझते नहीं समझते. मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आया बेटा, आप लोग भी आए मेरे साथ.
अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर कहता है कई जगह मे को मे नहीं पढ़ने का शायल पढ़ने का, कैसा होता है? हाँ कौन सा रूल पूछने कुछ कर रहा है ये? रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, आप लिख कर आओगे पूरे नंबर मिलेंगे। जो मैंने लिखा है वही लिखोगे या फिर अपना लिखोगे बेटा? हाँ बेटा टाइम लगाया बेटा मैंने। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं बेटा, तो कितने सही है देखो, सारे पेपर सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। नहीं एक्सप्लेन द एजेस्डम जनरिस, एजेस्डम जनरिस क्या होता है बताओ विद एन एग्जांपल, क्या हम लिख सकते हैं? हाँ जो मैंने लिखा है वही लिखोगे या जो अपना बना के लिखोगे आप उसे? हाँ क्यों क्यों जल्दी से बोलो, क्योंकि मैंने टाइम लगाया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स यूजेज, यूजेज याद है बेटा इफेक्ट ऑफ यूजेज, ये कौन सा रूल है बेटा? सेकेंडरी रूल। लॉ को कब पढ़ना है, आज के मीनिंग के हिसाब से उस समय की मीनिंग के हिसाब से? क्या क्वेश्चन नंबर सिक्स आप कर पाओगे? हाँ डेफिनेशनल सेक्शन बता दो क्या होते हैं, क्या आप लिख पाओगे? डेफिनेशनल सेक्शन कितने सारे होते हैं? इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एज वेल एक्सक्लूसिव, एम्बिगुअस और कॉन्टेक्स्ट टू द कॉन्ट्रेरी, नहीं याद आया? ओके क्या आप लिख दोगे? हाँ हाँ बोल दो बेटा। हाँ क्वेश्चन नंबर एट वो कह रहा है विदाउट प्रिजुडाइज का मीनिंग बता दो, नॉट विदस्टैंडिंग का मीनिंग बता दो, क्या हम लिख सकते हैं ये? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग 100% विद एग्जाम्पल लिख कर आएंगे हम लोग तो, नॉट विदस्टैंडिंग वाले का तो। हाँ या ना? हाँ आप एक लीज डीड पढ़ रहे हो क्वेश्चन नंबर नाइन पे है बेटा, आप क्या पढ़ रहे बेटा? एक अच्छा लीज डीड के डॉक्यूमेंट हो गया, वो कह रहा है उसको रिकनसाइल कैसे करोगे? व्हाट इज रिकनसाइल करोगे, मतलब रिकनसाइल मतलब उसे मैच कैसे करोगे, मतलब अगर दो प्रोविजन कॉन्फ्लिक्ट में हो गए तो क्या करोगे बेटा? आप लोग दोनों को समझना है, एक को समझना है, दोनों को, अगर नहीं समझा जा रहा तो अर्लियर दी बेटर, आपको समझ में आएगा ये? हाँ आप लिखोगे? हाँ ओके क्वेश्चन नंबर 10 पे आया रीजनेबल कंस्ट्रक्शन समझाओ, क्या मैं लिख सकता हूं रीजनेबल कंस्ट्रक्शन? हाँ विद एन एग्जांपल भी। हाँ अब ठीक है ना, मैं सारे थोड़ी ना पढ़ूंगा तुम्हारे लिए, कुछ तुम भी करना। मैं मतलब मैंने आपको ये बता दिया कि क्या बता दिया कि इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आपने ये पढ़ लिया तो वो हो जाएगा सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको सब्जेक्टिव भी दिए ऑब्जेक्टिव भी दिए, आप मजे से करो, आंसर भी करो इसका, कुछ डाउट आएगा मैंने आपको नंबर दे रखा है। हाँ या ना? नंबर दे रखा है मैंने, अगर किसी नहीं है तो जिनके पास है उनसे ले लेना, आप मुझे डाउट पूछ लेना। इसका टेस्ट हम रखते हैं, लेट्स टेक एन टेस्ट ऑन, आज क्या डेट हो गया? 9th हो गया है। एक नया चैप्टर शुरू कर दे क्या आज? प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे हम लोग। लेट्स कीप अ टेस्ट ऑन 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 17th, 17 ठीक है ना मंडे को, क्योंकि अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा वो वीडियो से एक बार रिवाइज भी कर लेगा अच्छे से, किसी को रिवीजन करो वीडियो देख के रिवाइज कर लेगा, नहीं तो बुक देख के आप कॉपी देख के रिवाइज कर सकते हो। तो विल कीप अ टेस्ट ऑन विच डेट बेटा? 17th। मैं कॉम्बिनेशन का टेस्ट बना के दूंगा जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे और ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे, है ना? मैं ये वाले क्वेश्चन दूंगा या अपने अलग बना के दूंगा बेटा? हाँ ये वाले, शाबाश, है ना? हाँ वैसे हाँ आज के लोग कहा दूंगा ही कहां से मैं, आपको समझ में आया नहीं आया बेटा? अभी 15 मिनट आप चले जाओगे या आप रुकोगे? चले जाएंगे, ठीक है बेटा चले जाओ। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो बेटा, नहीं तो ये कंप्लीट द चैप्टर, आप इसे ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हो सब्जेक्टिव भी कर सकते हो। यू हैव एनी डाउट यू गिव मी अ मैसेज, ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल गिव यू द रिप्लाई। मैं मार्च में लौट कर आऊंगा बेटा, सुन तो लो, जाने से पहले सुन तो लो, मैं कुछ बोल रहा हूं, बुलाओ इसको।